गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल डिस्कस द यूनिट सेकेंड ऑफ क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशंस। नाउ डिस्कस द टॉपिक इज रेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट एंड मोशंस? व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी जो पोजिशन है वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ और उसके आसपास के सराउंडिंग के साथ, उसे कहते हैं रेस्ट कहते हैं। कि जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो टाइम के साथ चेंज ना हो वो क्या है? रेस्ट है। जैसे एग्जाम्पल, ए बुक लाई ऑन ए टेबल, या ए स्टोन प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ए चेयर प्लेस ऑन द टेबल्स, या ए बॉक्स प्लेस ऑन द टेबल इज ऑल्सो रेस्ट। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। नेक्स्ट पार्ट, मोशन। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग इट्स सराउंडिंग्स। जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो जाए और उसके सराउंडिंग के साथ चेंज हो जाती है वो क्या होता है? मोशन होता है। बेसिकली मोशन को क्लासिफाइड किया जाता है तो थ्री टाइप्स में। फर्स्ट होता है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशंस, सेकंड होता है सर्कुलर या रोटेटरी मोशंस, थर्ड होता है ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशंस। तो डिस्कस करेंगे ईच टाइप को स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मोशन, फर्स्ट ए बर्ड फ्लाइंग इन एयर या ए मैन वॉकिंग ऑन रोड, और नेक्स्ट एग्जाम्पल मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मोशन विच कैन नॉट सीन बाय द नेकड आई। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशंस। मोशन और रेस्ट में एक टोटली क्या होता है? रिलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल, ए बस मूविंग ऑन द रोड, पैसेंजर सीटिंग इनसाइड द बस इज ऑल्सो रेस्ट, बट ए मैन इज स्टैंड ऑन द रोड एंड लुकिंग द बस इज ऑल्सो मोशंस। कि कोई भी ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा हुआ है और वो बस मूव कर रही है, उसको लुक कर रहा, देख रहा है, तो किस में नजर आएगी? उसको मोशन में आएगी। लेकिन जो इनसाइड पैसेंजर एक दूसरे को लुक करते हैं वो किस में नजर आते हैं? रेस्ट में नजर आते हैं। नेक्स्ट डिस्कस द टाइप ऑफ मोशंस। फर्स्ट टाइप, रेक्टिलिनियर मोशंस या ट्रांसलेटरी मोशंस। व्हाट डू यू मीन बाय द रेक्टिलिनियर मोशंस? इट इज दैट मोशंस इन विच ए पार्टिकल और पॉइंट मास बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन। जहां पे कोई भी एक पार्टिकल है या एक कोई पॉइंट मास बॉडी है जो मूविंग करती है स्ट्रेट लाइन में, उसे क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जहां पर कोई भी एक पॉइंट मास बॉडी है या पार्टिकल से जो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, जो सीधा चलेगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन होता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलेटरी मोशंस? ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, इसमें क्या है कि कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं हो सकती, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली अलोंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस एंड शिफ्ट थ्रू इक्वल डिस्टेंस इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि ये कभी भी एक पॉइंट मास बॉडी नहीं सकता। इसमें क्या होगा कि जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं किसी भी बॉडी के, वो पार्टिकल साइमल्टेनियसली मूव करेंगे एक समान रूप से और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जैसे कोई स्टोन है, आपने उसको उसे फोर्स लगा दिया और वो क्या करता है? मूव करता है। तो उस स्टोन के जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, और वो सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। दिस इज द ट्रांसलेटरी मोशंस। रोटेटरी या ट्रांसलेटरी मोशंस क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तो दोबारा से एक बार कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? इट इज दैट मोशन इन विच ए पार्टिकल और ए पॉइंट मास बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, बट ट्रांसलेटरी मोशन में ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी, इट मीन्स ऑल कंस्टिट्यूएंट
all its constituent particles move simultaneously along parallel straight line and shift through equal distance, shift हो जाते हैं equal distance पर in a given interval of time is called translatory motions. Next B point, circular या rotatory motion क्या होता है? It is that motion in which a particle or a point mass body moving on a circle. A particle or a point mass body is moving on a circle is called circular motions. कि जहां पर कोई पार्टिकल या कोई पॉइंट मास बॉडी जो मूविंग करती है, एक सर्कल में मूव करती है, उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं. नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, रोटरी मोशंस. नेक्स्ट पार्ट, रोटरी मोशंस. ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग सच दैट और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव simultaneously along concentric circles whose center lie on a line. कि कोई भी एक बॉडी है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, लेकिन उस बॉडी के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव करते हैं simultaneously समान रूप से, किसकी तरफ? चारों तरफ, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के चारों तरफ, और उनका जो सेंटर है लाई करता है ऑन ए लाइन पर, उसे क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं. कि जहां पे कोई बॉडी पॉइंट मास बॉडी नहीं है और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समान रूप से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में लाई करते हैं और उस सर्कल का जो सेंटर है लाई करता है एक लाइन पर, उसे क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं. नेक्स्ट है लास्ट पार्ट, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? It is that motion in which a body moves to and fro. एक body moves करती है to and fro या back और back and forth repeatedly about a fixed point in a definite interval of time. कि जहां पर कोई भी एक body है, oscillatory motion या vibratory motion एक ही बात है, कि एक body जो move करती है, जैसे ये pendulum है, ये बॉडी मूव करेगी टू फिरो, एक फिक्स पॉइंट है ये वाला, इस फिक्स पॉइंट के टू गई और फिरो गई, उसे क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. कि जहां पर कोई भी बॉडी मूव करती है टू फिर टू एंड फिरो, बैक एंड फोर्थ रिपीटली अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक. मैं एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी वॉल क्लॉक होती है उसमें जो पेंडुलम होता है वो लाई करता है ऑसिलेटरी मोशन की तरह या वाइब्रेटरी मोशन कर लाई करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज नोट दिस पॉइंट इन द नोटबुक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.